मैं सुमन मिश्रा, कैमरामैन अश्विनी मिश्रा के साथ न्यूज यूपी 78। खबर कुछ अलग सी, पावर ऑफ मीडिया, पावर ऑफ सोशल मीडिया। एक छोटी सी दुर्घटना कल के ब्लॉक किदोई नगर में थाना नौबस्ता क्षेत्र के अंतर हो गई। एक मकान का निर्माण कार्य चल रहा था जिसकी में एक मजदूर काम कर रहा था जिसका नाम था इसरार। इसरार काम करते वक्त, इसरार वैसे तो प्लम्बर है और कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के अंदर मछरिया में रहता है, वैसे तो वो प्लम्बर है, लेकिन कल वो सीढ़ी से चढ़ते वक्त करंट की चपेट में आ गया और उसमें चिपक गया और उसने दम तोड़ दिया। लेकिन दम तोड़ने से पहले उस बिल्डिंग में काम करने वाले ठेकेदार और उसके सहयोगी उसको हॉस्पिटल ले गए, क्षेत्र के हॉस्पिटल ले गए। क्षेत्र के हॉस्पिटल ने उसको शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ के लिए रिफ़र करा। जब वहाँ गए तब वहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद उनके परिवार वालों को सूचित करा गया और सूचना देने के बाद जब उनके परिवार वाले पहुँचे तो उनके सुपुर्द वो शव उनको दे दिया गया। वो शव लेकर के उस मकान के पास आ गए और वहाँ पर थोड़ा सा उनकी तकरार और नोक झोंक हो गई जिनका गृह निर्माण हो रहा था। बाद में क्षेत्र के सब्रांत और नगर के सब्रांत अधिवक्ताओं के सहयोग से सारा मामला शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया और उनको एक सुनिश्चित राशि उपलब्ध करा दी गई एक समझौते के तौर पर। और दुखद घटना है, लेकिन सहयोग राशि प्रदान करने के बाद उनको कुछ तो राहत हुई है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी भरपाई नहीं हो सकती, उसकी पत्नी भी वहाँ पर मौजूद थी और वो एक अलग तरीके की मांग कर रही थी, जिस मांग को अस्वीकार करा गया और एक अमाउंट तय करा गया जो उनको उपलब्ध कराया गया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और ऐसी दुर्घटनाएँ ना हों इसका आप लोग भी ख्याल रखें। बरसात का मौसम है, किसी भी तरीके के लोहे के खम्भे जिसमें बिजली के तार हों कृपया उससे दूर रहें और जानवरों पर भी निगाह रखें और उन जानवरों को भी अलग करें। और विद्युत विभाग से मेरा अनुरोध है कि कृपा करके उन खम्भों की तलाश करें जिन खम्भों में करंट उतरने की आशंका हो और उस समस्या का हल करें। धन्यवाद, नमस्कार।